हेलो फ्रेंड, मैं इसरार खान खुश आमदीद करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना बर्ड्स लवर में। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है कि बजीज की साइज को हम कैसे यानी कि इंक्रीज करें, साइज को कैसे यानी कि बढ़ाएं, और क्या डाइट में दें, क्या क्या यानी कि उसे मेडिसिन यूज़ कराएं ताकि बर्ड्स की साइज अच्छी हो, ग्रोथ अच्छा हो, अब बर्ड्स आपके हेल्दी रहें, फिट रहें, एक्टिव रहें। तो इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को आप पूरा लाजमी देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और भाइयों में शेयर करें, और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बजीज पैरोट का साइज को कैसे यानी कि इम्प्रूव करें, कैसे ग्रो करें ताकि आपके भी बर्ड्स अच्छे साइज के दिखें बजीज पैरोट। क्योंकि साइज बढ़ाने का जो होता है रीज़न, वो कलोनी की जो बर्ड्स होती है उसका साइज कुछ और होता है, और हम नॉर्मल कैज में जो बर्ड रखते हैं उसका साइज कुछ और होता है। क्योंकि साइज जो का जो फ़र्क होता है, वो एक प्लस पॉइंट ये है कि जब तक आप अपने बर्ड्स को अच्छी तरह से फ्लाई करने का एरिया नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, तब तक उसकी बॉडी का एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होगा। जब तक एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होगा, तब तक बर्ड्स की जो मसल है वो ग्रो नहीं करेगा, इम्प्रूव नहीं होगा। बर्ड्स आपके यानी कि जो खाना खाएंगे, डाइट खाएंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सब रीज़न होता है साइज यानी कि इम्प्रूव करने का। क्योंकि आप बर्ड रखे में हैं तो आप उसे एक ऐसा साइज का केस दें ताकि बर्ड्स आपके उसमें अच्छी तरीके से फ्लाई करके एक जगह से दूसरे जगह आराम से जाके बैठें। जब तक वो यानी कि ऐसा नहीं करेंगे, जब तक क्या होगा कि उसकी बॉडी का एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होगा, जिस कारण से मसल ग्रो नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तब आपके बर्ड का जो साइज है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम खाने में क्या क्या हम अपने बजीज को दे रहे हैं। तो खाने में आप भुट्टा कम से कम एक बार वीक में ज़रूर दें, क्योंकि भुट्टा से भी अच्छी तरीके से मसल ग्रो करता है, इम्प्रूव होता है। क्योंकि भुट्टा आप वीक में ज़्यादा ना दें, ज़्यादा क्वांटिटी में कम दें, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो अभी गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न है, जिसका जिसमें क्या होगा कि बर्ड्स को मोशन लगने का चांस होता है, और मोशन जब बर्ड्स को लगता है तो वो बर्ड्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और आप प्रॉपर उसको केयर नहीं करेंगे तो बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि भुट्टा दें तो कम क्वांटिटी में दें, ज़्यादा ना दें। और वीक में आप कम से कम दो बार उबला हुआ चावल ज़रूर दें अपने बर्ड्स को, क्योंकि उबला हुआ चावल में कैल्शियम और फैट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फैट जो आप बजीज पैरोट को दो दिन यानी कि वीक में चावल देंगे जिसमें फैट काफ़ी ज़्यादा रहता है, जब तक बॉडी में यानी कि बजीज के फैट नहीं होगा, जब तक वो बॉडी इंक्रीज नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा। और अपने बजीज के कलोनी या कैज में कैल्शियम ब्लॉक ज़रूर रखें, और लाहौरी नमक रखें, सेंधा नमक रखें, चिकनी मिट्टी भी ज़रूर रखें, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वीक में कम से कम दो बार ज़रूर आप मेडिसिन कोई अच्छा सा कैल्शियम वाला चलाएं, ताकि जब तक यानी कि बजीज की यानी कि जो बोन होती है, हड्डी होती है, उसमें प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा, तब तक बजीज का यानी कि जो ग्रो यानी कि मसल नहीं करेगा। अब प्रॉपर यानी कि अब कैल्शियम आप टाइम टू टाइम अपने बर्ड्स को देते रहेंगे, चाहे वो डाइट के शक्ल में हो या मेडिसिन के शक्ल में हो, तभी आपके बजीज का बॉडी इम्प्रूव होगा, ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं बता दूँ कि जो बजीज पैरोट होते हैं उसमें एज के हिसाब से भी मसल ग्रो करता है, ऐसा नहीं है कि पट्ठे का जो साइज है और अडल्ट का साइज है दोनों एक समान रहे, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। आप 2 साल का बजीज पैरोट रखें और 5 महीना या 4 महीने का आप सेमी अडल्ट या पट्ठा बजीज रखें, तो दोनों के साइज में काफ़ी डिफरेंस होगा, काफ़ी अंतर होगा। तो ये सब चीज़ से भी यानी कि
टाइम जब बर्थ का यानी कि जब तक प्रॉपर नहीं होगा, एज नहीं होगा, तब तक बर्थ की जो 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 साइज होती है वो इम्प्रूव नहीं होगी, ग्रो नहीं करेगी। तो एज का भी एक प्लस पॉइंट होता है, जब तक बर्ड्स का एज उस हिसाब से नहीं होगा तब तक वो जितने बर्जीस पैरोट पुराने होते हैं उतना ही वो यानी कि साइज में इंक्रीज होता है, बढ़ते हैं और मसल वगैरह भी ग्रो करता है। तो जब तक आपके बर्ड्स को कैल्शियम टाइम टू टाइम मिलता रहेगा तब आपके बर्ड्स का जो साइज है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक महीना के अंदर में आप चाहेंगे तो बर्ड्स की साइज बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जब तक उसका एज प्रॉपर नहीं होगा और टाइम टू टाइम आप कैल्शियम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो डाइट की शक्ल में हो या मेडिसिन की शक्ल में हो, तभी आपके बजीस की साइज को यानी कि साइज बढ़ेगा। और जब तक बजीस का साइज ग्रो करेगा तब एज के हिसाब से, और जब बर्ड्स आपके यहाँ ब्रीड करेंगे तो उसकी एक की जो साइज होगी वो भी माने कि साइज बड़ी रहेगी माशाल्लाह, एक की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और जो चिक्स निकलेंगे वो भी हेल्दी निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, एक्टिव निकलेंगे। तो आप वीक में आप जो भुट्टा ज़रूर दें अपने बर्ड्स को एक बार, और उबला हुआ चावल भी वीक में दें दो बार, और कैल्शियम ब्लॉक भी केज या कॉलोनी में ज़रूर रखें लगा के, ताकि बर्ड्स अपने हिसाब से टाइम टू टाइम खाते रहें। और लाहौरी नमक भी दें, सेंधा नमक दें, चिकनी मिट्टी दें, ये सब चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें। कैल्शियम का यानी कि प्रॉपर ध्यान रखेंगे जब तक यानी कि बजीस की यानी कि बोन मजबूत नहीं होगा, हड्डी इंक्रीज नहीं होगा, जब तक साइज बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम से ही हर चीज़ होता है। जब तक बॉडी में बजीस के कैल्शियम प्रॉपर रहेगा तब वो खुद ब खुद इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ आप प्रॉपर अपने बर्ड्स को देंगे तो खुद ब खुद वो साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये व्यूवर्स एक छोटा सा टॉपिक था, नए व्यूवर्स के लिए ये वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊं, क्योंकि नए व्यूवर्स जो होते हैं वो यानी कि डाइट का उन्हें अच्छी तरीके से पता नहीं होता है कि कौन कौन सा डाइट हमें देना है और कैसे देना है, ताकि हमारे यहाँ भी जो बर्ड हैं वो भी साइज में बड़े हों, बढ़े रहें। क्योंकि जो कॉलोनी में जो ब्रीडर लोग जो बर्ड्स रखते हैं तो उनके साइज माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, बर्ड्स का ग्रो अच्छा करता है। तो उसी तरीके से नए व्यूवर्स भी जो बर्ड्स लेके आए उनके भी साइज वगैरह बढ़े, इंक्रीज हो, और केज का साइज भी वो बड़ा रखें ताकि बर्ड्स उसमें अच्छे से फ्लाई कर सके। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और भाइयों में शेयर करें, और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट ज़रूर करें किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा आपके टॉपिक पर यानी कि वीडियो बनाने की। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का खूब सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।